आओ चारी विराजमान हो। चुप रहिए गुरुजी, बात करने के लिए और कोई जगह नहीं मिली आपको? क्यों, यहाँ क्या बुराई है? भोज के लिए स्थान देखा जाता है क्या? इधर उधर की बात छोड़िए और सीधा मुद्दे पर आइए। हाँ ठीक है। हृदय में एक रहस्य छिपा है। आपने शराब पीना तो नहीं शुरू कर दिया है? जिस दिन आपने मछली खाने के लिए कहा था उसी दिन हमें आप पर शंका हो गई थी। चुप रहे, जब देखो आराम शराब बोलता रहता है। मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछिए। तुमने किसी कन्या से प्रेम किया है क्या? प्रेम? और हम क्या हम भी प्रेम कर सकते हैं गुरुजी? है? प्रेम क्यों नहीं कर सकते? हाँ तो पहले क्यों नहीं बताए? पहली में पूजा, दूसरी में शीला, तीसरी में मुन्नी, चौथी में चमेली और बेबी, सभी ने चिट्ठी लिखी लेकिन हम किताबी कीड़ा बने रहे। इतिहास का क्या है, मिटाने से मिट जाता है लेकिन प्रेम नहीं मिटता चारी। कसम गंगा मैया की गुरुजी, कहीं आपने तो प्रेम नहीं कर लिया? अरे लजाइए मत, बताइए। अब गुरुजी भी घंटाल हो गए। ओ गुरुजी, अब रहस्य का पिटारा खोलिए और प्रेमिका का नाम बताइए। गंगापुर के गजोधर को जानते हो? अरे वही ना, जिनकी टांग टूटने पर डॉक्टर ने भैंस की टांग लगाई थी। हाँ, उसी की दूसरी टांग टूटने के बाद मुझे उसकी सबसे बड़ी बेटी से प्रेम हो गया। तो फिर उसने क्या कहा? नैन से नैन टकराए, हृदय से हृदय मिले और प्रेम हो गया। लेकिन फूटे भाग प्यार की चिट्ठी पहुँचने से पहले दूध वाला ले उड़ा। दूसरे लगन मंडप में मेरी नजर छोटी वाली पे पड़ी, ठीक ठाक थी, इसलिए मैंने उसका लग्न कल्लू हलवाई से करा दिया। लेकिन जब तीसरी बेटी पे दृष्टि डाली, वो भी फुर हो जाएगी और आप ठन ठन गोपाल। इसी बात को तो मुझे डर है, अब सब तुम्हारे हाथ में। मैं चाहता हूँ कि तुम उसकी माँ से बात करो। चारी, तुम मुझे चंदा का चकोर बना दो ना, अगर तुम बढ़ा चढ़ा के बात करोगे तो मेरा रिश्ता पास हो जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, इलू इलू हो जाएगा। ऐसा इलू इलू मत करना, बेटी की जगह माँ ना हाँ कर दे। अब मेरी नैया का तू ही खिवैया है। सही जगह हाथ मारा है गुरुजी। नमक मिर्च लगा के बात करना। अब आपकी तो कुछ नहीं गुरुजी। सब कुशल तो है ना आंटी? तुम्हारे रहते कोई अमंगल हो सकता है पप्पू? पप्पू? आंटी मुझे प्यार से इसी नाम से बुलाती है। आजा। जय हो गंगा मैया। ये कौन है पप्पू? मेरा छोटा भाई एवं शिष्य भी। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आप लोग बैठिए, धूप में से आए हैं, मैं ठंडा पानी लेके आती हूं। हां हां ठीक है ठीक। सब समझ गए, दक्षिणा का पैसा यहाँ लगा दिए। प्रेम में तो करना ही पड़ता है। ये प्रेम नाम का अजगर आपको पूरा निगलता जा रहा है। भले ही निगल जाए चलेगा, लेकिन कार्य पूर्ण होना चाहिए। क्यों पप्पू, आजकल बहुत व्यस्त हो, यहाँ आना भी कम कर दिया है। हाँ सही कहा आपने, बहुत व्यस्त हैं। सवेरे सवेरे स्नान, फिर जलपान, फिर दिन भर प्रेम के ध्यान में मगन रहते हैं। बस भी करो शिष्य, आज छप्पर फाड़ के बोलेंगे। हाँ। हमरे गुरुजी प्रेम के पुजारी और हम न करें बढ़ाई। हमारे लायक कन्या भी तो मिलनी चाहिए ना। सही कहा ना आंटी? हाँ हाँ बिल्कुल, तुम भी तो दिन ब दिन बूढ़े हो रहे हो। अरे रे रे, कर दी ना गलती माता जी, गुरु जी को कष्ट होगा ना। छी, आप जानती हैं परसों विवाह के समय मंडप की दुल्हन गुरु जी के साथ भागने के लिए तैयार थी, कुछ बताइए ना गुरु जी। छोटी सी बात को लंबा मत खींचो, पॉइंट पे आ जाओ। आंटी ने भी सुना होगा? नहीं नहीं मैंने नहीं सुना। लगता है पेपर में छपा नहीं। बच के नहीं तो बच जाएगी। तो थोड़ा कम बोल। आंटी जी, चंदा कहाँ छे? यही है, लगता है पूजा घर में पूजा कर रही होगी। चंदा देख भाई चारी, चंदा के हृदय में क्या है ये मैं तो नहीं जानता, लेकिन मुझे लगता है कि उसने सोचा होगा कि मेरा एक पैर गड्ढे में दूसरा केले के छिलके पर, और लज्जित होना है। सत्य वचन बोल गया, कुछ कर। दृष्टि घुमाइए। अरे बाप रे, फिर से आ गई मनहूस। आंटी जी। हाँ? चंदा आ रही है पप्पू। गुरुजी, सर क्यों झुकाया है? लज्जा के कारण मैं यहाँ हूँ ना। हाँ। चंदा। ये क्या? गुरुजी अनर्थ हो गया। है? आपकी लुटिया डूब गई, चलिए मैं बताता हूँ। क्या लुटिया डूब गई? समझते क्यों नहीं, हाथ जोड़ता हूँ, चलिए मेरे साथ। भट्टाचार्य जी। है? चंदा, तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे पप्पू बुलाया करो। पप्पू? ठीक है पप्पू जी, आपने जो हमें 2-in-1 दिया था ना, उसका तार चूहे ने काट दिया है, इसीलिए अब वो नहीं चलता। कृपया आप इन्हें कहिए ना उसे ठीक कर दे। इतना ही है ना, वो 2-in-1 है तो ये 2-in-1 है, चुटकी बजा के ठीक कर देगा। चल जा। गुरुजी, हमको भी कुछ बताना है इस 2-in-1 के बारे में। अरे जाओ पहले इसके 2-in-1 को ठीक करो, जाओ। अरे ये क्या, धक्का क्यों मार रही है? क्यों बे झिंगुर, क्या नाटक है? भगवान। हाँ बे। फिर से बे। अबे घोचू, गुरुजी को सच बताएगा? हाँ बताएंगे। कलर टीवी, VCR, 2-in-1, गुरुजी को झांसे में लेकर खूब मलाई चाट रही हो और हम चुपचाप देखते रहे। अच्छा ठीक है, जाके बताओ, हम भी बता देंगे। क्या क्या क्या, क्या बताओगी? वही कि स्विमिंग पूल में तुमने हमें कहाँ कहाँ छुआ और तुमने हमारी पीठ का तिल भी देख लिया। चलो सब बताते। अरे देवी, कौन से जन्म का प्रतिशोध ले रही हो हमसे? है ना,
इसीलिए तुम भी बंद रखो, हम भी बंद रखें। क्या बंद रखें? मुंह। अब तो फूटेगा। क्या फूटेगा? भांडा। क्यों शिष्य, कार्य पूर्ण हुआ? गुरुजी आपके आदेश का हम पालन न करें ऐसा कभी हुआ है क्या? अरे हमको विश्वास है कि हर कार्य पूर्ण करोगे। चंदा संध्या काल में तैयार रहना, हम शहर पे जाएंगे। पर कहां? ये कौन सी जगह लेके आ गई? अपने को ऐसी जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आजकल हमारे जैसे मॉडर्न कपल्स क्लब्स जाते हैं, तुम पकाओ मत यार। क्या गुरुजी कैसी गाड़ी चलाते हैं, पूरा अंजर पंजर ढीला हो गया। पंडित से गाड़ी चलवाओगे तो यही होगा ना। अब जल्दी चलो, खाने का मुहूर्त निकल जाएगा। क्या पप्पू जी, ये कैसी ड्रेस खरीद के लाए? क्या फर्क पड़ता है, देखने वालों को तो मजा आ रहा है ना। गुरुजी मेरी लुंगी उठाने की आदत नहीं छूट रही है। जो मिला है उसी में संतोष करो, काला कौवा नहीं बनेंगे तब तक एंट्री नहीं मिलेगी। जय हो गंगा मैया। ये क्या पहन लीजिए सर, इट्स अ रूल सर प्लीज। अरे तुम्हें बैठने किसने कहा? तो और क्या करूं? अरे जाओ और बियर लेकर आओ। क्या बियर? अरे चारी मैं तुम्हारी दुविधा समझ सकता हूँ बच्चे, प्राचीन लोग क्या पीते थे? मदिरा। और क्या? उसे बियर कहते हैं यहाँ पे। अब अच्छे शिष्य की तरह वही लेकर आ। अयो दादा ये तो पोंगा पंडित निकला। ये लीजिए। सुनो बार वाले भैया बियर देना। अभी तो दिया था तुम्हें। क्या कहा? मुझे दिया? कब दिया? दिमाग खराब है? अरे अभी तो दिया था। अरे अकल के अंधे, ठीक से देख आंख है या बटन। अंधेरे में किसी और को दे दिया और नाम मेरा लगा रहा है। ए कौन हो तुम और दिन दाड़े चिमटी क्यों काट रही हो, शर्म नहीं आती? अरे ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? ऐसी बात करता हूँ? अरे आंख फाड़ के क्या देख रहा है, बियर दे नहीं तो ये मेरे पीछे पड़ जाएगी। पता नहीं कहां कहां से चले आते हैं। चारी ए चारी सुन। अरे क्या रे, तुझे बियर लाने कहा था मैंने, ये मुंह में क्या है? ला ग्लास दे, चल जा अपना ग्लास लेकर आ। कहाँ जा रहे हो? खाई में कूदने। अच्छा मैं भी आऊँ क्या? नहीं अकेले जाऊंगा। अब आ रहा होगा मुझसे सॉरी बोलने, इडियट। Can I have one beer, please? पेट है कि टंकी, अभी तक नहीं भरा? अरे धीरे धीरे पियो, इतनी जल्दी भी क्या है, अभी तो लेकर गए थे वो भी खत्म हो गया। हाँ यार एक बुड्ढे ने ग्लास ले लिया यार, दिल तो किया चमाट खींच के दूं लेकिन जाने दे। तब तो बनता है, तू बियर देना। ये रही आपकी बियर, अब गटक लो। टंकी है क्या, बस करो यार आराम से बात कर लो। हाय ये कौन है, अंकल है? मन में लड्डू फूट रहा होगा तेरे। असल में ये हमारे मित्र हैं। ओ आई एम सॉरी, मुझे लगा तुम्हारे अंकल हैं। जोर का झटका धीरे से लगाना गुरुजी। हाँ चारी इसे भगा दे। हेलो जी आप भूल कर रही हैं, गुरुजी का सिर्फ शरीर ही हाथी की तरह फूला है पर मन चूहे की तरह है। चूहा समझती है ना, छोटी छोटी चूहिया। ओह आई एम सॉरी। हाँ चंद्रकला बाय। मैं तुझे चूहा दिखता हूँ, तू जा यहाँ से नहीं तो और अपमानित करेगा। गुरुजी जा वरना चंदा को चकोरी कैसे बनाऊंगा। जा जा। देख क्या रही हो, फिर से चिमटी लेनी है? लो 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 लो, लो चिमटी, चलो काटो काटो काटो। व्हाट इज दिस, बिहेव योरसेल्फ। अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए, भगवान बचाए ऐसे लोगों से, हम तो जा रहे हैं। मैं यहाँ पर इसे बिना बताए लेकर आई हूँ ना, इसीलिए मुझे तंग कर रहा है। क्या आइटम है बिड़ू? जक्का सा बिड़ू। कहाँ चली गई थी? मैं यहाँ तुम्हें इसलिए लेकर आई क्योंकि मुझे लगा तुम्हें अच्छा लगेगा, पर तुमने तो मेरा ही मूड बिगाड़ दिया। दोबारा कहीं ले जाने के पहले सोच लेना। चंदा चलो डांस करते हैं। डांस? जी हमें डांस नहीं आता पप्पू जी। डांस करना कौन सी बड़ी बात है, वहाँ जाके टांग हाथ तो हिलाना है। या कम ऑन या चिक 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 चिक। पप्पू जी देखिए ना ये लड़का हमें छेड़ रहा है। क्या रे, नो एंट्री में एंट्री क्यों ले रहा है? चंदा दिन में तारे नजर आ रहे हैं। अरे तुम कुछ बोलिए ना पप्पू जी। इसके आगे बोलूंगा तो बोलने के लायक नहीं छोड़ेंगे, चलो यहाँ से हटो। अरे हट रे। सुनो तुम घर जाओ। क्यों? घर जाओ ना प्लीज। अरे इस तरह अचानक बोला ना, घर जाओ। तुम थी इसके मैंने कुछ किया नहीं, वरना उनकी बैंड बजा देता। वो लोग इतने दुष्ट और पापी थे, आपको उन्हें मारना चाहिए था। तुम थी इसने मैंने हाथ नहीं उठाया, वरना वो सबके सब दुनिया से उड़ जाते। अब ये काले असुर सब बाहर आ गए। क्यों रे, पार्टी खत्म हो गई क्या? आज मारामारी का उपास है, तुमसे कल निपट लूंगा। लड़की छोड़ और निकल इधर से। मर गए। आओ कोने में। चल। मेरे बाप, तुम लोग मेरा पीछा छोड़ दो ना। तेरे पीछे कौन पड़ा है, अपन को लड़की चाहिए। देख तू तो अभी जवान है यार,
तुझे कई लड़कियां मिल जाएंगी, तू मेरी चंदा के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? मैंने बड़ी मुश्किल से उसे पाल पोस के बड़ा किया है, ब्याज तो वसूल करने दे। जारी गुरुजी, गुरुजी कहाँ चले गए? गुरुजी गुरुजी, गुरुजी, अब गुरुजी को कहाँ ढूंढें हम? अच्छा भैया, अब हमको रोकोगे? पीने वाला कोई और बिल भरे हम? हमको लल्लू पंजू समझे हो? ऐसा श्राप देंगे कि जिंदगी भर ऐसे बुद्ध बन के खड़े रहोगे। फुटो। पंडित जी प्लीज आप जाइए। वो तो हम जाएंगे ही, पर पहले जब हम जा रहे थे तो ये दोनों ने हमारे राह में बिघ्न क्यों डाला? ये राहु केतु के चेले हैं, मेरे सामने दोनों को डांटेंगे तभी जाऊंगा यहाँ से। ए इडियट्स, सॉरी बोलो इनको। सॉरी सर। देख लेंगे हम तुम दोनों को। आप जाइए। काम के ना काज के, शत्रु अनाज के। ये क्या है गुरुजी, बिना बताए कहाँ चले जाते हैं? तुम फटे क्यों थे चारी? आप चल दिए पर मुझे रोक लिया, मेरा गुस्सा एकदम चरम पर था, ज्वालामुखी की तरफ फटने ही वाला। कुछ बात नहीं, पराए मर्द का हाथ मत पकड़ा करो, क्रोध मुझे भी आता है लेकिन मैं शांत रहा, साथ में चंदा है इसलिए क्रोध पे नियंत्रण रखा करो चारी। अब चलो साथ में। पप्पू जी बोलो, अगर वो लोग वापस आ गए तो? ऐसा है तो मैं जल्दी निकल लेता हूँ। सुन चारी, तू इसे घर छोड़ देना समझा। मैं चंदा जी को छोड़ने जाऊँ? हाँ, चुपचाप आओ, चलो।